हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सोच रहे हैं कि सर पर धूप है, ये गुड मॉर्निंग क्या बोल रहा है, क्योंकि बेसिकली मेरा व्लॉग सुबह आता है, इसके लिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। तो जरा मैं आया था अपनी साइकिल लेने को, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। आप टाइटल और थंबनेल लिख के जान ही गए होंगे हम लोग कहाँ जाने वाले, तो चलिए फिर चलते हैं। मैं जरा अपनी शॉप आया था, तो जस्ट हम लोग अभी ब्रिज पर है और ब्रिज पर जा रहे हैं। तो हम लोग ब्रिज के वो जरा बताते हैं, वो नया ब्रिज बस ओपन ही होना देगा साइड में, तो हमको पीछे का नजारा बताते हैं। अभी मैं जिस बस चल रहा हूँ उसकी ओपनिंग 26 जनवरी को होने वाली है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसकी ओपनिंग। तो अभी चलते हैं। तेरी भाई काफ़ी बड़ा ब्रिज है, उसके बाद जाने दे रहे नहीं है, इसलिए मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि वॉचमैन है यहाँ पर, तो देखते रहते कोई आ जाने रहा है, क्योंकि बेसिकली नया ब्रिज है ना। तो जस्ट मैं अपने साइकिल पर, मेरी साइकिल बन चुकी है, जा रहे हैं। तो काफी आज का वेदर ज्यादा ही अच्छा है ना, ना बोल रही चलिए चल। तो मास्क लगा के ना भाई बहुत उलझन होती है, लगता क्या लगाने का मास्क, पर क्या करे, मास्क लगाना ही पड़ता। बस थोड़ा ही रह गया मैकडॉनल्ड पहुंचने, क्योंकि खड़कपड़ा में ना थोड़ा आउटसाइड पड़ता है, पन क्या करे, चलना पड़ता है अपने सब्सक्राइबर लोग के लिए। वैसे खड़क पड़ा तो यार एक चीज बहुत भारी अच्छी मिलती है, क्योंकि यार ट्रैफिक बहुत कम रहता है और क्लीन भी बहुत ज़्यादा ही रहती है। तो क्योंकि मेरा मास्क बहुत ऊपर आ जाता है, सही बहुत दिक्कत होती है मास्क लगाने में। तो जस्ट सामने ही है, थोड़ा ही दूर पर है, जस्ट सिग्नल के बाजू में है, तो चलते हैं अभी। तो ये जस्ट सामने है मैकडॉनल्ड, आप देख सकते हो, चलिए चलते फिर। तो जस्ट हमने ऑर्डर करके आए हैं, हमारा ऑर्डर नंबर, तो अभी जस्ट आता है तो हम बताते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या हमने मंगाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का एम्बियंस कितना अच्छा और क्लीन रखा गया है। तो मेरा मामू मेरा साथ में कंपनी देने के लिए, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का एम्बियंस, और साथ में साथ सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रखा गया है, और साथ ही साथ में जैसे आता है बताते हैं। पर मुगल भाई यहाँ खड़क पड़ा का ब्रांड काफी अच्छा लगा मैकडॉनल्ड का। ये मेरा भांजा लेकर आ रहा है मील, और अभी इसका आप बताएंगे कैसा क्या है क्या नहीं है, बस हो गया ना। तो ये जैसे आ चुका है बर्गर, और मेरे मामू के लिए कोक लिया क्योंकि वो आइसक्रीम नहीं खाता, और ये फ्रेंच फ्राइज और टमेटो केचप। चलिए बर्गर में दिखाते हैं अंदर क्या क्या। तो आप देख सकते हैं वेजीज काफ़ी भर भर के, क्योंकि मैंने वेज टिक्की बर्गर लिया हो, साथ में नीचे देखो मेयोनीज है। तो मामू टेस्ट करके बताओ एक बार, बता रहा हूँ कैसा है। काफी टॉस्टी है, खाने में डिलीशियस है, और फ्रेश है, फ्रेशनेस भी है, थोड़ा तो इसके साथ चिली फ्लेक्स होती तो और अच्छा। चलिए तो भांजे कैसा लग रहा है ये बर्गर आपको। टेस्टी भी काफ़ी टेस्टी है। तो इसको आप 100 में से कितने नंबर देना पसंद करोगे।
10/10 देना पसंद करोगे? इतना डिलीशियस यम्मी है? नहीं, मुझे इसमें थोड़ा फीका लग रहा है, और क्या कहते हैं, इसके कंपेयर में अगर चिली फ्लेक्स होती थोड़ा सा तो और डिलीशियस लगता जो स्पाइसी खाने वाले हैं उनके लिए। तो मामू कैसा लगा? जो काफी भूख लगी रहे तो उनके लिए जो है ना एक बर्गर बच हो गया, इतना भरा हुआ बर्गर था। तो आप देख सकते हैं मैं एकदम फिनिश कर दिया, सिर्फ फ्राइज बची है और ये इसको भी फिनिश करते हैं और मामू ने कोक लिया है। पर मेरा पेट भर गया, एक बर्गर इतना हैवी होता है कि आप अगर क्या कहते हैं दोपहर का लंच करना चाहो तो एक बर्गर में हो जाए, तो इतना डिलीशियस है। तो आपको लास्ट बाइट कैसी लगी? काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्रीमी भी है, और मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि आप आइए जरूर से। ये मील 299 में परचेज है। ये मील एक कोक मिलेगा आपको, फुल कोक मिलेगा, और उसके साथ ये एक फ्रेंच फ्राइज मिलेगा, एक बर्गर, उसके साथ टमाटो सॉस रहेंगे आपको ऐसे छोटे छोटे पाउच में टमाटो सॉस। इसका कोई लिमिट नहीं, आप अनलिमिटेड ले सकते हो जितना जी चाहे। और फ्रेंच फ्राइज का आप देख सकते हो काफी क्रिस्पी और यम्मी और गर्म देते हैं। और मैं बोलो भाई थोड़ा थंबनेल और वीडियो के चक्कर में ना ये सब सॉफ्ट हो गए, पर बहुत अच्छे हैं, और इसको ट्राई करके खाते हो बिल्कुल। तो ये आइसक्रीम आपको कैसी लग रही है? काफी अच्छी, सॉफ्ट है और फ्रेश भी है। मैं तो सही करूंगा आप जरूरी। फ्लेवर कैसा है इसका? चॉकलेटी फ्लेवर है। और ये कोको पाउडर डाला गया है इसके ऊपर से? यहाँ ये कोको पाउडर है जी, काफी अच्छा टैगो दे रहा है, टैंगनेस दे रहा है, स्वीटनेस दे रहा है जी। तो अभी मिलते हैं क्या कहते हैं एग्जिट के समय, बाकी बातें एग्जिट के बाद तो समय होएगी। अभी हम लोग फटाफट अपना फ्रेंच फ्राइज फिनिश करते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं इसका प्राइस और आने का लोकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए वो बताएं, ज़रूर हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप YouTube पर भाई से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप जल्दी खुद के भी वीडियो आएंगे और ब्लॉग भी आएगा। नेक्स्ट वीडियो होएगी का कहते हैं हमारी डोमिनोज पिज्जा पार्टी, डोमिनोज पर पिज्जा पार्टी। तो चलते अब एग्जिट में मिलते हैं डायरेक्ट। अभी बर्गर मैकडोनल्ड्स निकल चुका हूँ, तो नेक्स्ट वीक या फिर बर्गर किंग चलेंगे या फिर डोमिनोज में चलेंगे, तो जिसमें साइकिल बन के भी आ गई है। और क्या बताऊँ, तो मेरा मामू उसके साथ में अब की बार कंपनी दे रहा था, मतलब कोई है नहीं, तो चलो मामू को लेके चलते, क्योंकि फ्रेंड्स तो सब सारे बिजी थे, तो मैं क्या करता, बस मामू की शॉप नियर में है, इसलिए मैं बोला मैकडोनल्ड नज़दीक में पड़ता उनको बुला लेता हूँ। तो बस वो छोड़ा काम करके आए फिर मेरे साथ। मैं तो बोलता हूँ सफिशियंट है, 299 का जो मील है ना, 299 का जो मील है ना सफिशियंट फॉर वन पर्सन, बिकॉज बहुत ज़्यादा वो है, कि बर्गर भी काफ़ी बड़ा है, वेज और नॉन वेज दोनों का भी ऑप्शन न था, तो मैंने वेज लिया क्योंकि मैं वेज को ही प्रेफर करता हूँ, और मामा भी ने बोला वेज ले लो, क्योंकि नॉन वेज जब जानू ज़्यादा खाते नहीं, बात ये है ना। नेक्स्ट वीक बर्गर की अपने डोमिनोज का ज़रूर से मनाएंगे। तो चलिए चलते हैं मामू की शॉप पर डायरेक्ट। तो जस्ट मैं भी मामा की शॉप पर आया हूँ, और मैं आपको लोकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और मील काफ़ी अच्छी थी, हमने एंजॉय भी किया, और नेक्स्ट वीडियो में फूड के भी बनाऊंगा और ब्लॉग के भी बनाऊंगा। तो चलिए, तो जस्ट मैं अभी घर पर आया, अभी 6:30 बजे बताओ, दोपहर में गया, और मैं मेरा फर्स्ट टाइम था मैकडोनल्ड में, मुझे काफी अच्छा लगा। और ये मेरे छोटे भाई, एक बार हाय करो। तो मैं मामा के साथ गया था, आपने देखा ही होगा, तो ये मेरे छोटे भाई हाय करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह अब मैं व्लॉग के साथ फूड भी ऐड कर रहा हूँ अपने चैनल में, और आपको फूड भी देखने मिलेगा, साथ ही साथ व्लॉग दोनों भी मिक्स में बनाऊंगा, और कभी कभी सेपरेट भी बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह टाटा बोलो, एक बार टाटा बोलो, टाटा करो अजमल।